नेटफ्लिक्स पर अगर आप हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पर है ना कुछ दिन पहले एक न्यू हॉरर मूवी रिलीज हुई है। उस फिल्म का नाम है सिस्टर डेथ। अभी आप सोच रहे होगे कि बहन होगी, शायद बहन की मौत दिखाई जाएगी मूवी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चर्च में जो लेडीज रहती हैं उनको भी सिस्टर बोला जाता है। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि एक जगह है कॉन्वेंट, वहां पे ना छोटी बच्ची और ये सिस्टर्स दोनों साथ में रहती है। बट एक टीचर है जो वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है, तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है तो एक लड़की का बिहेवियर इसको बहुत ही ज्यादा चेंज दिखता है। वो अजीब तरीके से बिहेवियर कर रही है वो लड़की, तो उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तो वो लड़की बताती है कि इस जगह पे ना किसी की तो आत्मा भटकती है और जो भी कोई इंसान उस आत्मा का ड्राइंग बनाए या फिर उस आत्मा के बारे में कोई भी बात करे तो वो उसे मार देती है। तो पहले पहले तो ये टीचर भरोसा नहीं करती उस बच्ची का, फिर जाके है ना और बाकी सिस्टर से पूछती है कि मैंने ऐसी बात सुनी है, क्या ये सच बात है। तो वो सिस्टर भी बोलती है कि बच्चे जो है वो बकवास करते रहते हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। बट ये जो टीचर है ये वहां पे रहती है ना, तो इसके साथ भी अजीब अजीब चीजें होती रहती है। बट वो चीजें जो है वो सपने के जरिए दिखाई गई है कि जैसे सपना देख रही हो ये टीचर, तो ये डर जाती है टीचर भी। बट वापस से जाकर वो टीचर जो है वो वापस से जाके उस छोटी बच्ची से पूछती है कि इस जगह के बारे में मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारा भरोसा करूंगी। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि यहाँ पे जो आत्मा भटकती है ना वो एक छोटी बच्ची की है, तो उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जो कोई भी उसका नाम ले या ड्रॉइंग ले वो उसे मार डालती है। तो ये भरोसा करती है, फिर इसके कमरे में भी ना टीचर के कमरे में एक सिस्टर की फोटो मिलती है जो कि मर गई है। तो अब पूरे राज बाहर आते हैं फिल्म की एंडिंग में कि आखिर ये बच्ची को मारा किसने और उसकी आत्मा उस जगह पे क्यों भटक रही है। और बच्ची की आत्मा नहीं, उसकी माँ की भी आत्मा भटक रही है। और आपको एक ट्विस्ट की बात बताऊं इस मूवी के, वो जो माँ और बेटी की आत्मा भटक रही ना छोटी बच्ची की, उन दोनों को सिस्टर्स ने ही मारा था। वहां पे जो सिस्टर्स रह रही है ना उन दोनों की वजह से ये माँ और बेटी मर चुकी थी। कुछ साल पहले ना एक माँ ने उस जगह पे एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था और वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो वो बीमार होने लगी थी। तो बट वो अपने बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, पर वहां की सिस्टर्स ने अलाउ नहीं किया कि तुम हमारे यहाँ रहने आई हो तो तुम बाकी तरीके यूज नहीं कर सकती अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए, तुम्हें हमारी तरीके यूज कर रहे होंगे अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए बीमारी से। तो माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया जाता है और वो छोटी बच्ची को सिस्टर्स जो है वो बाथरूम में ले जाती है और बाथटब में डुबो के कुछ तो भी इलाज करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से वो छोटी बच्ची जो है वो मर जाती है। तो अब बच्ची मर चुकी है तो माँ जिंदा रह के क्या करेगी, माँ भी खुद को फांसी लगा देती है और मर जाती है। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस मूवी की, ये दोनों माँ और बेटी की आत्मा उस जगह पे भटक रही है तो इनको किस तरह से मुक्ति मिलती है और आखिर वहां की जो सिस्टर्स है उन्होंने इनकी जान क्यों ली, किस वजह से ली, ये मूवी में अच्छा रीजन बताया गया है। मूवी में अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है, बट मूवी फैमिली टाइप की नहीं है क्योंकि हॉरर मूवी है ना, तो आपको ये मूवी अकेले ही देखनी होगी। और एक और बात आपको इस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है सिस्टर डेथ, तो ये है ना आप अंधेरे में देखिएगा क्योंकि फिल्म में ना अंधेरे के सीन्स काफी ज्यादा है। अगर आप ये फिल्म को लाइट में देखोगे तो आपको फिल्म अच्छे से दिखेगी नहीं और साथ ही मूवी का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और देखोगे ना तो हेडफोन या फिर हैंडसेट लगा के देखिएगा तो आपको मूवी का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे तो ये सिस्टर डेथ मूवी अच्छी लगी देखने में, काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, देखने में भी अच्छी है। अगर आपने नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज मूवी सिस्टर डेथ देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी डबिंग में, देखो और कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।